बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं गैसेस इन लिक्विड, क्योंकि हमको लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो बाकी के दो केस कौन से बचे? लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें दोनों लिक्विड है हमारे। तो चलो हम कंसीडर कर लेते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। वो दोनों कंपोनेंट हमने कैसे मान लिए हैं कि वो वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल क्या होता है? जो इवेपोरेट हो सकते हैं, मतलब जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमने दोनों वॉलेटाइल ले लिए और उनको डिनोट किया गया है वन और टू की तरीके से। ठीक है, हमने उन दोनों को एक क्लोज्ड वेसल में ले लिया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, और एक बंद कंटेनर में उनको मिक्स कर दिया हमने। जो दोनों कंपोनेंट थे वो दोनों ही इवेपोरेट हो सकते थे। ठीक है, दोनों ही मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया एक टाइम के बाद, जिसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल सी बात, इक्विलिब्रियम में इसका मतलब दो, मतलब इक्विलिब्रियम में होंगी कोई दो चीज़। तो जो हमारा प्रेशर वेपर वेपर बन रहे थे उसका रेट, और जो वेपर से कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन रहा था उसका रेट, वो दोनों सेम हो गए। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब हम टोटल वेपर प्रेशर को इस स्टेज पे, मतलब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे हम मान लेते हैं कि पी टोटल है उसका, टोटल वेपर प्रेशर मतलब दोनों कंपोनेंट का मिला के। पी वन और पी टू जो है हमने वेपर पार्शियल प्रेशर माने हैं किसके? वन और टू के। और मैं एक और बता देती हूँ, पी वन नॉट और पी टू नॉट, जहाँ नॉट लग जाएगा वो प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि अभी हम ये पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो कि उनका प्योर मतलब खुद का नहीं है, दोनों का जो सॉल्यूशन है उसके पार्शियल प्रेशर से ये दोनों कंपोनेंट के। बट अगर हम एक कंपोनेंट वन को अलग रख दें तो उसका एक प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर, तो वो होगा पी नॉट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो, ऐसे ही प्योर कंपोनेंट टू का होगा पी नॉट टू। तो ये जो पार्शियल प्रेशर थे वो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं, वो हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं कि कैसे पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से इंडिपेंड करते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन है एक्स वन एंड दूसरे वाले का है एक्स टू। तो एक फ्रेंच केमिस्ट आए, ठीक है, कौन, क्या नाम था उनका, फ्रांसकोइस मार्टे राउल्ट। ठीक है, इन्होंने राउल्ट्स लॉ दिया, 1886 में आए थे। उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। भाई क्वांटिटेटिव से तो हमें प्यार है, क्योंकि क्वालिटेटिव में कुछ आता नहीं है समझ में, थोड़ा बहुत वो यही सब करते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, नथिंग। क्वांटिटेटिव भी चाहिए होती है हमको। तो उनका जो रिलेशनशिप था उसको बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। अब ये राउल्ट्स लॉ कौन सी बला है, ये क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर एक सोल्यूशन है वॉलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है, अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं उनका एक सोल्यूशन बनाया हमने, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का उस सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने खुद के मोल फ्रैक्शन से जो उसके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जैसे कि हमने अलग अलग ले लिया तो वो अलग अलग के लिए ही दिया गया है। तो जैसे कि पी वन मतलब पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मोल फ्रैक्शन के फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलर नहीं है, सिमिलर क्या, सेम ही है, हेनरीज लॉ है ये, उसने भी तो ये बोला था पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। और इन्होंने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो पी वन नॉट लगाया, के एच तो लगाएंगे नहीं भाई, राउल्ट्स है, हेनरी का कॉन्स्टेंट क्यों लगाएंगे। तो इन्होंने पी वन नॉट लगाया, ये इन्होंने अलग काम किया था इसलिए इनका लॉ बन गया। तो पी वन नॉट क्या था, मैंने बताया अभी कि वो प्योर सब्सटेंस का प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन में जब मिक्स हो गया उसके बाद का, लेकिन ये पहले का है जब वो सोल्यूशन में नहीं था, वो अलग रखा हुआ था, प्योर था। तो पी वन नॉट क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का ए पर। सेम टेम्परेचर तो पता ही है तुमको, प्रेशर के बारे में बातें चल रही है, टेम्परेचर ना सेम ही रखना है। फिर ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट के लिए करेंगे तो पी टू क्या हो जाएगा हमारा, पी टू नॉट एक्स टू। ठीक है, वहीं पर पी टू नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर किसका, प्योर कंपोनेंट टू का। अब हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होती है, वो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी होती है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है एक सॉल्यूशन फेस के ऊपर, अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो टोटल है, वो किसका, किसके इक्वल होगा, वो सम के इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो कॉम्पोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, वन और टू, उनके पार्शियल प्रेशर क्या है, पी वन और पी टू, और पी टोटल उस सॉल्यूशन का प्रेशर जो उसके सरफेस के ऊपर है, पी टोटल इक्वल हो गया पी वन प्लस पी टू का। पी वन की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में बनी हुई है 2.12 और 2.13, दोनों को हमने इनमें पुट कर दिया। एक्स वन को हम एक्स टू के उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि मोल फ्रैक्शन चाहे कितने भी उन सबका सम वन ही आना है, वन ही आता है। ठीक है, तो इसमें तो दो ही चीज़ें हैं, एक्स वन और एक्स टू। तो एक्स वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स टू, क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये आ गया, तो लास्ट में हमारा ये आया।
ये जो फॉर्मूला आ गया इसको याद करो अच्छे से। देखिए पी टोटल इज पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू। इस फॉर्मूले से बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं, ठीक है। कंक्लूजन कौन कौन से निकले? तीन चीज़ें जो इस फॉर्मूले को देख के समझ में आ रही थी। पहली चीज़ क्या समझ में आ रही थी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब पी टोटल, वो रिलेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन का किसी एक कंपोनेंट। मतलब देखो प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर क्या बन रहा है, दोनों की वजह से बन रहा है, क्योंकि दोनों का ही तो सॉल्यूशन है, दोनों की वजह से ही बनेगा प्रेशर। लेकिन वो देखो फॉर्मूले के अंदर किसी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से भी रिलेट कर रहा है, उसको मतलब नहीं दूसरे के मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसको मतलब नहीं है। वो देखो एक्स टू आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक्स एक्स टू की जगह वन माइनस एक्स वन लिख देते हैं तो एक्स वन के टर्म में आ जाता, मतलब वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर पा रहा है, उसको मतलब नहीं है कि दोनों ही दोनों आओ तुम, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरी चीज़ हमें क्या दिखी इस फॉर्मूले को देख के, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब पी टोटल, वो लीनियरली वेरी कर रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ सेकेंड कंपोनेंट के। ये लीनियरली वेरी कैसे कर सकता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथ्स में, सबसे सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एकदम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो कि लीनियर होती है, ठीक है। हमने p टोटल को मान लिया y, मेरे पास तो मैं लिख नहीं सकती उसके ऊपर, इतने अभी रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, बट आप लोग मैं जो बोल रही हूँ वो कॉपी में कर सकते हो। p टोटल को मान लो वाई, पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट हो गया हमारा m, m क्या होता है स्लोप, ठीक है। ये चीज़ पॉजिटिव है तो स्लोप हमारी पॉजिटिव। x2 हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया, ये मतलब y एक्सिस पे हमारा p टोटल है और x एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का। प्लस c, c हमारा क्या हो गया p1 नॉट, मतलब c क्या हो गया हमारा इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा ये, वो हो गया p1 नॉट। मतलब पूरा एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो वेपर प्रेशर है वो लीनियरली वेरी करेगा मोल फ्रैक्शन से, ये इस ग्राफ में भी दिखेगा। दूसरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, मुझे पता आ गया होगा आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो। थर्ड वाला पॉइंट कैसे समझ में आएगा इससे, कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, ठीक है। ये जो है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, मतलब क्या पी टू नॉट और पी वन नॉट, इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? पी टोटल कर रहा है भाई, कर रहा है, ठीक है। दो लाइन समझ में आई। फिर टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, मतलब पी टोटल, ठीक है, डिक्रीज या इंक्रीज करेगा अगर हम मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दें पहले कंपोनेंट के, ठीक है। इसमें यहाँ पे टू भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। तो ये क्या बोल दिया इसने भाई, कि जो टोटल का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ क्या है कि हम मोल फ्रैक्शन को सिर्फ बढ़ाएंगे। भाई ऐसे कैसे हो रहा है कि हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन को बढ़ाना है और ये हमारा टोटल डिक्रीज भी करेगा इंक्रीज भी करेगा? तो देखो ये कैसे होगा, हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ाने हैं तो हम किस में जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले में, पी टू इक्वल्स टू पी टू नॉट और एक्स टू। हमने क्या किया, एक्स टू को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये पी टू नॉट क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा पी टू अपॉन पी टू नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू, ठीक है। एक्स टू को बढ़ाया तो पी टू नॉट कम होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम बढ़ाने वाली कंडीशन देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, हमने इसको बढ़ाया तो हमारा पी टू नॉट हो गया कम। अब इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, टोटल प्रेशर के पी टू नॉट कम हो गया, पी टू नॉट कम हो गया, पी वन नॉट बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ आ गई छोटी हो गई, मतलब। तो इससे क्या हुआ, ये चीज़ अगर पूरी छोटी हो जाएगी और तुम एक्स टू को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो बढ़ रही है क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव हो चुकी है। अभी तुम नेगेटिव में और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव का जो वो है वो बड़ा होता चला जा रहा है, तो जो टोटल प्रेशर था वो ओवरऑल कम हो जाएगा। अब चलो x2 को डिक्रीज करते हैं, क्या तब भी ऐसा ही होगा? तो x2 को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो p2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। p2 इंक्रीज होगा तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी और ये जो p टोटल है वो इंक्रीज होगा। तो जो p टोटल है वो बस इंक्रीज ही होना है, हम चाहे मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, हमारा जो पी टोटल है वो इंक्रीज ही होगा। तो ये थर्ड वाला पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट, ये सारे कंक्लूजन्स थे जो उस फॉर्मूले से हमें दिख रहे थे साफ साफ। अब आता है ये ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ को समझना। हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा ना, वाई एक्सिस पर हमारा क्या था, प्रेशर किसका, प्योर कंपोनेंट का, तो हमने मतलब यहाँ पे पेपर प्रेशर ले लिया, ठीक है। और एक्सिस पर हमारा क्या आ रहा था, मोल फ्रैक्शन, तो वही हमने बना दिया भाई, पेपर प्रेशर बना दिया वाई पे, मोल फ्रैक्शन बना दिया एक्स पे। हमने ये सॉल्यूशन का बनाया है, अगर हमारा एक ही
एक ही चीज़ होता है, जैसे कि अभी हम बना रहे थे हेनरीज लॉ वगैरह में, तो सिंपली सी प्यारी सी एक सीधी सी लाइन खींची जाती है, बट नहीं, हमको ना ये सॉल्यूशन है हमारे, इसमें दो कंपोनेंट है, मतलब एक ही ग्राफ में दो चीज़ों का बनाना है। तो कैसे करेंगे, एक तरफ मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिए पहले वाले के, क्योंकि दोनों के लेने पड़ेंगे भाई, दो कंपोनेंट हैं। तो एक तरफ मोल फ्रैक्शन ले लिया मैंने 1, क्योंकि 1 से बड़ा हो नहीं सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो एक तरफ ले लिया 0। फिर उसके नीचे दूसरे तरफ ले लिया मैंने दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 और एक तरफ 1। अब देखो हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पहले लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट में छोटा कौन सा है, एक्स टू छोटा है 0, मतलब एक्स टू को 0 से 1 तक लेके जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या बढ़ा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने देखो हमारा पी टू है वो बड़ा 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 कहाँ पहुँचा, पी टू नॉट, मतलब प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर पे, कि प्योर से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है जब हम उसमें मिक्स कर देते हैं तो ओवरऑल हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है वेपर प्रेशर, क्योंकि हम उसमें एक तरीके से उसके लिए दूसरा कंपोनेंट इम्प्योरिटी की तरह है, और वो इम्प्योरिटी अगर हम मिक्स कर रहे हैं उसमें तो वो ना वेपर्स कम कम बनते हैं उसके। अब आप बता दो, जैसे कि हमारे पास पानी है, ठीक है, उसको गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी उसको उसकी भाप बनेगी, लेकिन अगर हमने उसमें मिट्टी डाल दी, ठीक है ना, इम्प्योरिटी डाल दी, तो वो उसकी भाप इतनी जल्दी नहीं बनेगी, उसके वेपर प्रेशर इतनी जल्दी फॉर्म नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर उस पानी का कब होगा, जब वो प्योर होगा। तो हाँ, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया जो कि है उसका प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर। अब हम राइट से लेफ्ट आएंगे, राइट में छोटा 0 कौन सा है, 1 का, और 1 सॉरी फर्स्ट वाले कंपोनेंट का जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से बड़े 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 1 तक आ गए, और यहाँ पे भी इसका प्योर सब्सटेंस का कितना आ गया, P1 नॉट। आप सोच रहे होंगे दोनों बराबर क्यों नहीं है, तो भाई क्यों ही होंगे, जब दोनों कंपोनेंट अलग हैं तो दोनों का जो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर वो अलग अलग होगा, ठीक है, वो हो जाता है ऐसा, वो कोइंसिडेंस है अगर वो दोनों सेम भी हैं तो, वैसे अलग अलग ही होंगे क्योंकि दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं। फिर क्या करेंगे, ये तो हमने अलग अलग बता दिया भाई, हमारे पहले कंपोनेंट का बता दिया, दूसरे का बता दिया, हमें तो सॉल्यूशन की बात करनी है क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों जो थे उनको ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा जाएगा पी टोटल। तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ए प्लॉट से लेके, वो पूरा इसी चीज़ को बता रहा है। अब ये चीज़ बताती हूँ मैं, अगर आप, वैसे हमने अभी तक मोल फ्रैक्शन कहाँ के दिए जाते थे, मोल फ्रैक्शन हमेशा लिक्विड फेस में जो प्रेजेंट है ना उसका दिया गया है, हमेशा उसी को ही मोल फ्रैक्शन बोला गया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले क्या बात कि हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं कंपोनेंट्स के इन वेपर फेज, मतलब जो वेपर बने हुए हैं ना उसमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, जो लिक्विड में है उनको नहीं, लिक्विड फेज का तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर वेपर फेज पूछ ले ना तो कुछ नहीं करना है, P1 इज इक्वल्स टू Y1, बस जो P0 था ना हमारा उसको रिप्लेस करके पी टोटल लगाना है आपको, और ऐसे ही P2 इज इक्वल्स टू Y2 P टोटल। तो बस ये कर दोगे ना तो वेपर फेज में निकल आएगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक नहीं भी मुझे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, कर ही देना यार, मेहनत कर रही हूँ मैं थोड़ी सी। बाय बाय।